अबे ओ, जूता साफ करके दे जल्दी। जी मैम साहब, अभी करता हूँ। अरे क्या मरा मरा हाथ चला रहा है, जल्दी चला लेना। वैसे भी पहले दिमाग खराब होकर रखा है मेरा। सुना थाने में आज नया सचिव आने वाला है और बहुत ही कड़क मिजाज का है वो। लेट होगी ना आज तो मेरी वाट लग जाएगी, और तेरी वजह से मेरी वाट लग गई ना तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं। जल्दी कर। जी मैम साहब, जल्दी तो कर रहा हूँ, और कितना जल्दी करूँ। लीजिए, हो गया, 20 रुपए हो गए। क्या क्या बोला तू? आपने जूता साफ करवाया है ना, तो उसी के 20 रुपए हो गए आपके। खड़ा खड़ा हो साले, मुझसे पैसे मांगेगा तू? दिख नहीं रहा क्या पुलिस ऑफिसर हूँ मैं? ये वर्दी ना दिखाने के लिए नहीं पहनी है मैंने, इसकी पावर बहुत है। 2 मिनट लगेंगे, तेरा ये ठेला उठा के ना भाग सड़क पे फेंक दूंगी। भीख मांगता फिरेगा सड़क पे लोगों से तू? मुझसे पैसे मांग रहा है तू? देख अब तो यार रोज जूता साफ कराने आऊंगी मैं, और तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। तू मना तो करके दिखा। मैम साहब, अगर आप पुलिस वाली हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप गरीबों को हक मारती फिरेंगी। अच्छा हक चाहिए तुझे? रुक तू, रुक, तुझे तेरा हक ना अभी दिखा। मैम साहब, अरे ले, ले, ये ले, ले, रुक तेरा हक ले। मैम साहब, ये आपने क्या किया? एक तो मेरा हक नहीं दिया, मेरे पैसे नहीं दिए आपने, और ऊपर से मेरा मुंह काला कर दिया। ये तो गलत बात है ना? अबे एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप क्यों अत्याचार कर रहे हैं इस बेचारे गरीब के ऊपर? अरे मैडम आपको क्या, मैं जो मर्जी करूँ इधर, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हैं? निकले यहाँ से। मैं तो यहाँ से जा ही रही थी, पर मैंने देखा आप कितनी बुरी तरह से बात कर रहे हैं इसके साथ। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है भैया? अरे मैडम देखिए ना, 2 कौड़ी का मोची है ये, और मुझसे जुबान लड़ा रहा है, पैसे मांग रहा है मुझसे। लगता है ये पुलिस की पावर नहीं जानता है। वैसे भी मेरा दिमाग पहले खराब हो रखा है, नया एसएचओ आने वाला है, बहुत ही कड़क मिजाज का है वो। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरी वाट ना लग जाए, गलत और नाजायज चीज बर्दाश्त नहीं होती है उससे। और ये ऊपर से मेरा दिमाग और खराब कर रहा है पैसे मांग के, इसलिए इसकी औकात दिखा रही थी। बताइए मैडम जरा आप ही कि पुलिस वाले की पावर क्या होती है। बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने, पुलिस वालों में बहुत पावर होती है। भैया जरा साइड हटिए, और मैडम आप आइए जरा इस सीट पर बैठिए, और आज यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे ना, उन सब के शूज पॉलिश आप करेंगी। मैडम आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपको पता भी आप क्या बोल रही हो, किससे बात कर रही हो जानती हो? मैडम मुझे तो अच्छे से पता है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, पर शायद आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रही हो। बड़ी तारीफें कर रही थी ना अभी नए SHO की, मिल लीजिए, आपके सामने साक्षात खड़ा नया SHO, मिस पूनम चौधरी। मैडम आप नई SHO है पूनम चौधरी? जी हाँ नई SHO। जब मुझे यहाँ ज्वाइनिंग का लेटर आया ना, तो मुझे काफी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जिस थाने में मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है ना, वहाँ पे 2 से 3 करप्ट ऑफिसर्स हैं, जिनमें सबसे ऊपर नाम आपका ही था। और आप कितना करप्शन फैला रही हैं, ये तो मैं अपनी आंखों से खुद ही देख चुकी हूँ। तो मुझे अब कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है, पर आप जो कर रही है ना मैडम, वो बहुत ज्यादा गलत है, इसलिए अब आपको वही करना पड़ेगा जो मैं आपको कह रही हूँ। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, जाने अनजाने आपको पता नहीं क्या बोल दिया, मुझे मालूम नहीं था कि आप ही नहीं है सचो में। जैसी गलती आपने की है ना, इसकी माफी नहीं, इसकी सजा मिलती है। और जब आप इस सजा को भुगतोगे ना, तभी आपको एहसास होगा कि आप कितना गलत कर रही थी। देखिए चुप करके यहाँ पर आइए और शूज पॉलिश कीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया ना, तो थाने जाते ही आपके हाथ में सबसे पहले आपका सस्पेंशन लेटर पकड़ाऊंगी मैं, और आपको सस्पेंड करनी मेरी जिम्मेवारी। नहीं नहीं मैडम, आप प्लीज सस्पेंड मत कीजिए, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा करने को तैयार हूँ। नहीं नहीं मैडम, रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए भैया, आपको नहीं लगता कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है? ये पुलिस वाले हैं, और पुलिस वालों का काम होता है गरीब इंसान को सपोर्ट करना, उनको इमोशनली सपोर्ट देना, और ये आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं उल्टा, आपको पैसे तक नहीं दे रहे आपकी मेहनत के। जब ये यहाँ पर बैठकर आपका काम करेंगे ना, तब इन्हें पता चलेगा कि आप कितनी कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे कमाकर अपने घर वालों का पेट पालते हो, अपना पेट पाल।
क्यों? हुआ आपको एहसास कि एक गरीब कितनी मेहनत करके अपना पेट पालता है? जी मैडम, मुझे सच में एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। ये बेचारा गरीब आदमी है, ये इतनी मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाता है जिसमें अपना घर का खर्चा चलाता है, और मुझे ये चीज़ कभी रियलाइज ही नहीं हुई। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने सच में इसके साथ बहुत बदसलूकी की है। पुलिस वाले लोगों के साथ गलत होने से बचाते हैं, ना कि खुद उनके साथ गलत करते हैं। इस बात का सबक आपको मिल गया होगा, तो दोबारा ऐसा कभी मत करना, और माफ़ी मुझसे नहीं, इस बेचारे से मांगना। मुझे माफ़ करना भैया। नहीं नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब, आपने मेरी इज्जत बचा ली। अगर आप ना होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। एक तरफ इन जैसे ऑफिसर हैं जो हम जैसे गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं, और दूसरी तरफ आप जैसे ऑफिसर जो हम गरीबों का मसीहा हैं। कोई बात नहीं भैया, और आगे से अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो एरिया के थाने में पहुंच जाना, मैं आपको वहीं मिलूंगी। आइए मिलते हैं आपसे थाने में।